नमस्कार साथियों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के इस सिलसिले को। पुराने दिन याद आए तो स्वीट शो पहुंच गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र संघ के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अचानक समर हिल आ पहुंचे। यहां पर बिताए पुराने दिनों को याद करते हुए वो ठाकुर स्वीट शो पहुंचे। यहां उन्होंने 86 साल के नाथूराम से मुलाकात की और उनके पैर छूकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। नड्डा के आने पर यहां लोगों का हजूम उमड़ पड़ा, हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच केवल चुनिंदा लोग ही उनसे मिल पाए। इसके अलावा बात करें तो जेपी नड्डा ने कहा कि उन्हें यहां पहुंचकर पुराने दिन याद आ गए। जब वो विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो इस दुकान में अक्सर चाय पीते थे। नाथूराम ने बताया कि 80 के दशक की शुरुआत में स्टॉल में नड्डा चाय के साथ साथ आमलेट खाते थे। उन्होंने बताया कि अब उनके दो बेटे हैं और उनके रिश्तेदार मस्तराम ठाकुर दुकान को चलाते हैं। विश्वविद्यालय में मिला सम्मान, भावुक हुए अनुपम खेर, छलके आंसू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र संघ के कार्यक्रम में पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर भावुक हो गए। विश्वविद्यालय में सम्मान पाकर उनके आंसू छलक पड़े। कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है। समारोह में विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले करीब 500 पूर्व छात्र भाग ले रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। विधानसभा उपाध्यक्ष विपिन सिंह परमार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश सिंह और निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली डॉक्टर रणदीप गुलेरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कोट रोपी में फिर पहाड़ दरकने की आशंका, 5 साल पहले गई थी 50 लोगों की जान, प्रशासन ने खाली करवाए गांव। हिमाचल के मंडी जिले में कोट रोपी की पहाड़ियों में फिर पानी जमा हो गया है। 2017 में भी यहां इसी वजह से हादसा हुआ था और पहाड़ दरकने से 50 लोगों की मौत हुई थी। यहां नमक की चट्टानें हैं, पहाड़ गल गए हैं और किसी भी वक्त दरकर जान माल का नुकसान कर सकते हैं। पहाड़ के नीचे मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे है। प्रशासन और पुलिस ने आज यहां स्थिति का जायजा लिया है। यह आबादी वाला क्षेत्र है। वहीं प्रशासन ने खतरे की आशंका को देखते हुए गांव खाली करवाए हैं। वहीं कोट रोपी घटनास्थल पर दूसरे दिन भी राहत कार्य शुरू नहीं हो पाया है। यहां नेशनल हाईवे की सड़क पूरी तरह से धंस गई है। सड़क से पीछे बनी तलाई का रिसाव होने से दो गहरी खाइयां बनकर तैयार हो गई हैं, जहां अब NH को पूरी तरह बहाल होने में 1 माह तक का समय लग सकता है। महिला का शव बरामद, 5 लापता, NDRF का रेस्क्यू अभियान जारी। हिमाचल के मंडी जिले के ही द्रंग विधानसभा क्षेत्र में बादल फटने से ओल्ड कटोला के संदोहा में लापता हुए परिवार की एक महिला का शव बरामद हुआ है। मृतक महिला की पहचान स्टार अली की पत्नी के तौर पर हुई है। वहीं संदोहा में शनिवार को स्टार अली व उसकी पत्नी, दो बेटे छाया साजिद, दो बेटियां साजिदा सुहाना और तौफीक अख्तर पुत्र बरकत अली देर रात बाढ़ में बह गए थे, जिनमें दो शव बरामद हुए थे। NDRF के 30 जवान और पुलिस दल ने लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया है। 5 लापता हुए लोगों की तलाश अभी जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में रार आनंद शर्मा ने संचालन समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने आज पार्टी की संचालन समिति की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है।
हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए अहम फैसलों में उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। टाटा मोटर्स ने विद्यार्थियों के लिए शुरू किया अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, 30 अगस्त तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश के स्कूल व कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए टाटा मोटर्स ने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत जिन विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा उन्हें काम के साथ साथ पढ़ाई करने का भी मौका मिलेगा। विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई का खर्चा कंपनी द्वारा किया जाएगा। जो 12वीं पास हैं उन्हें ग्रेजुएशन करवाई जाएगी और जो ग्रेजुएट हैं उन्हें मास्टर डिग्री करवाई जाएगी। इसके लिए विद्यार्थी कंपनी की WUS ऐप पर 30 अगस्त से पहले आवेदन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से इस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स नए कॉलेज स्नातकों को बिक्री और तकनीकी क्षेत्रों में उनके साथ काम करने का अवसर प्रदान कर रही है। नित्यानंद राय बोले, महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर देना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि महिलाओं के विषय में कभी कभी कहा जाता है कि इनकी भूमिका कम ही होती है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि आदिकाल से ही महिलाओं की सहभागिता और सहयोग से समाज के निर्माण में भूमिका रही है। वहीं राज्य गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में हमेशा से ही महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने जरूर महिलाओं के महत्व को कम किया और महिलाओं की भूमिका को कम करने का प्रयास हुआ। चलती गाड़ी पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, ब्यास किनारे गिरी चालक की मौत। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जोगणी मोड़ के पास चलती पिकअप जीप पर पहाड़ी से पत्थर गिर गए। पिकअप जीप सड़क से लुढ़ककर ब्यास किनारे जा गिरी। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव बरामद कर लिया गया है। चालक की पहचान मनप्रीत 32 वर्षीय पुत्र मक्खन सिंह निवासी फतेहगढ़ पंजाब के तौर पर हुई है। SHO सदर मंडी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, परिजनों को सूचित कर दिया गया है। सावधान रहिए, प्रदेश में फट सकते हैं अभी बादल। आज प्रदेश भर में सुबह सुबह मौसम साफ रहा, मगर दोपहर के बाद शिमला सहित कई जगहों पर जमकर बारिश हुई है। गनीमत यह रही कि आज किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली है। वहीं मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में कई जगह बादल फटने की आशंका जताई है। वहीं आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दूसरी ओर बात करें तो मौसम विभाग ने अभी 25 अगस्त तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। इस दौरान कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, नदियां उफान पर रह सकती है। पिछले कल प्रदेश भर में बारिश ने तबाही मचाई थी। भारी बारिश ने चंबा, कांगड़ा, मंडी व शिमला जिलों में कोहराम मचाया है, जिसमें 22 लोगों की मौत और कई भवनों को नुकसान हुआ था और सैकड़ों सड़कें बंद पड़ी थी। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।